से होता है। मौला का फिर नारा फिर आया तो नारे की तलवार बिजली की तरह चमकती है और वो जमीन पर शहीद कर देती है। इसी जन्म में मौसू के तन की तनपट्टी पर गोली लगती है। कपड़े खून तो शराबे रहे लेकिन गोली का निशान नहीं मिला रहा है। मौला मौला हुसैन मौला नहमूद हसन चौबंदी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और कहते हैं एक कासिम गुनाह हो गया वहां की तनपट्टी पर गोली लग गई है। तो मौलाना हुसैन मौला मेहमूद हसन चौबंदी के तीन मरतबा नमाज वाला जो शरीफ पढ़ते हैं उनकी तनपट्टी पर सोचते हैं तो गोली के दूर की बात आज तक नजर नहीं आती। ये चीजों को देखकर अंग्रेज परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मानना है। तनपट्टी पर गोली मारी थी और निशान तक नजर नहीं आ रहा है। आज हम जरा हथियार जाए हमें ये नारा दिया जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाए। इस मुल्क को हमने संवारने के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है। अगर आज की जरूरत पड़ेगी हम एक और जंग लड़ेंगे। वो जंग होगी अमन की जंग होगी सलामती की जंग होगी सुकून की जंग होगी। कितना अच्छा लगता है दुकानों का उजड़ना मकानों का चलना और आज सबको प्यारे हैं। इसीलिए एक और हम जंग लड़ेंगे वो जंग होगी तो अमन की होगी सलामती की होगी और हम दोस्तों की बका के लिए होगी। आज वह बोलना तो फैसला सुना दिया गया है। इसके ऊपर कुछ अशार आपके बाद अपनी जगह लेता हूँ कि मजीद और जुल्मत नहीं चलने वाली मजीद और ये जुल्मत नहीं चलने वाली ये जालिम हुकूमत नहीं चलने वाली मजीद और हुकूमत नहीं चलने वाली ये जालिम हुकूमत नहीं चलने वाली। जब बोर्ड का फैसला हुआ है या हुक्म आधार पर अब ऐसे जालिम हुकूमत नहीं चलने वाली। आपके यूपी के अंदर बात बात पर बिल्डोजर चला दिया जाता है। इसी को शायर ने कहा था कि उम्र गुजर जाती है एक मकान बनाने में तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां चलाने में। तो शेर को तब्दील करके मैंने यूं कहा कि उम्र गुजर जाती है एक मकान बनाने में उम्र गुजर जाती है एक मकान बनाने में तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्डोजर चलाने में। अल्लाह अल्लाह हम सबको अपने प्यारे वतन की दोस्तान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उन शहीदों ने जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना खून बहाया है अल्लाह उनको कब्र में कर्बत कर्बत चैन सुकून नसीब अता फरमाए। और आज हम 15 अगस्त में उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने हमें हमारे मुल्क को आजाद कराया सारे वतन सुरक्षा हिंदुस्तान हमारा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد